खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब खबर शामिल करेंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेरा एहतमाम तकरीब जो हुई है उस हवाले से। आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेरा एहतमाम वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पर आगही वॉक का इनेकाद किया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि शहर की सफाई करना हमारा बुनियादी फरीजा है। वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पर कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट राइस के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, बोहरा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से आमिर और रीजनल कोऑर्डिनेटर अली असगर खादिम समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना ने अपने पैगाम में कहा कि शहर की सफाई करना हमारा बुनियादी फरीजा है, लेकिन शहर को साफ रखना हर शहरी का फर्ज है। आज क्लीन अप डे के मौके पर शहरियों से अपील है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। सफाई के दिन के हवाले से मैं हम मना रहे हैं ये दिन, और मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सफाई मिस ईमान है, हमारे ईमान का जुज्व है। और सफाई को मैं इस तरह से कहूँगा, सफाई एक अनदर वर्ड ऑफ मेंटेनिंग थिंग्स। अभी आप किसी भी चीज़ को आप अच्छी रोड बना लें, आप उसकी सफाई नहीं करें तो समझें कि आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग की अगर सफाई नहीं हो रही होगी तो इन अदर वर्ड्स वो मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये और इस सॉलिड वेस्ट की पूरी टीम और उसके जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स वो हतलमकान कोशिश कर रहे हैं कि खुश असलूबी से कराची की सफाई के उमूर परफॉर्म किए जाएं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक निजामानी ने कहा कि वॉक का मकसद शऊर बेदार करना है कि हम किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश से अगर डस्टबिन दुकान के बाहर रखें और कचरा बाहर फेंकने के बजाय सिर्फ डस्टबिन में डालें तो शहर को साफ रखने में मजबूत तब्दीली आ सकती है। आज वर्ल्ड क्लीनअप डे मनाया जा रहा है पूरे आलम में, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि सफाई जो है वो सबसे पहले है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पैगाम है कि सफाई निस्फ ईमान है, और इस बात को आज पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि जब सफाई होगी तो हमारे सारे काम दुरुस्त नजर आएंगे। वॉक में शामिल अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने अपने इलाके को साफ रखने के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे ताकि शहर को साफ रखने में तमाम कम्युनिटी मिलकर काम करें।